After side payable होता है, तो उसको पहले आपको क्या करना होगा? Acceptance के लिए करना होगा? होगा, के लिए और फिर उसके बाद उसको उसको के के लिए लिए करना होगा। after side bill जो होता है, बिना acceptance को करे, उसको के लिए नहीं किया जाएगा। और अगर मान लो कोई भी बिल आफ्टर साइड पेबल है और उसको आपने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया और वो एक्सेप्ट नहीं किया ड्रोवी ने तो वो क्या बन जाएगा डिसऑनर बाय एक्सेप्टेंस अगर वो एक्सेप्ट हुआ फिर उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के अंदर दो बातें हो सकती है वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा ऑन ड्यू डेट अगर वो पेमेंट करेगा तो ऑनर हो गया नहीं हुआ तो हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं इन्हीं सारी बातों को दिमाग में रख करके हमको पढ़ना है प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो बेसिकली देखिए पहले क्या लिखा है एक्सचेंज the तो भी भी जो आफ्टर साइड पेबल होता है उसको हमेशा किसके लिए प्रेजेंट करना होता है या फिर जो भी पर्सन उस पे पैसे रिकवर करना, कर, कर, कर करने का राइट रखता है जैसे मान लो मैंने आपके ऊपर बिल बनाया और मैंने उस बिल को किसी को एंडोर्स किया तो क्या एंड जिसको मैंने एंडोर्स किया है वो आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकता है

दस दिन के बाद पेबल होगा तो सर एक्सेप्टेंस के बाद दस दिन वो तो समझ सकते हैं यानी कि जब वो एक्सेप्ट होगा उसमें डेट लिखा जाएगा दिस इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस उसके बाद दस दिन में वो पेबल होगा लेकिन सर एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कब करना है एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना यानी कि मैं वो बिल आपके पास एक्सेप्टेंस के लिए कब लेके आऊंगा वो बिल मैं आपके पास लेके आऊंगा विद इन क्या बोलो विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर द बिल इज ड्रॉन तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या पॉइंट क्या है कि बिल जो है after side payable होगा, तो उसको बिल अगर क्या है बोलो after side payable है, तो उसको कंपल्सरिली मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रीजनेबल टाइम तो ये लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है इफ डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट यानी कि आपने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया अगर मान लो, तो no. हाँ, लो मैंने आपके ऊपर बिल बनाया मैंने आपका नाम लिखा और बिल बना दिया लेकिन आप मुझको मिले ही नहीं आप छुप के बैठ गए की मेरे को एक्सेप्टेंस करना पड़ सकता है इसलिए मैं अंडरग्राउंड हो गया मैं मिलाई आप मुझको मिले ही नहीं तो क्या होगा तो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा डिसऑनर बन जाएगा

तो क्या हो गया डिसऑर्डर वेयर ऑथराइज्ड बाय एग्रीमेंट और यूसेज प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट मतलब फिजिकली लेके आने की गरज नहीं है मैं आपको उसको पोस्ट से भी भेज सकता हूं बताएंगे मुझको यहां तक ये पॉइंट क्लियर है चलिए तो लिखना शुरू करेंगे प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या आपने ये लिखा हुआ है कल हैव रिटन दिस चार्ट बनाने तक बनाया था ये कल बनाया था चार्ट दिस दिस चार्ट यू रोट यस्टरडे ओके तो भी उसके नीचे लिखेंगे

This bill of exchange must be presented for acceptance. This bill of exchange must be presented for acceptance. Next line. Please. If it is not accepted. If it is not accepted. By the drawee. If it is not accepted by the drawee. then it will be considered as then it will be considered as dishonor it will be considered as dishonor due to non-acceptance as dishonor due to non-acceptance this bill must be presented This bill must be presented for acceptance. For acceptance within reasonable time. This bill must be presented for acceptance within reasonable time. Next line, pay if if drawee is not found. If drawee is not found. Within reasonable, sorry, uh, draw is not found. After reasonable search, after reasonable search, after reasonable search, bill is said to be dishonored, bill is said to be dishonored, dishonored due to non acceptance due to non-acceptance next line pay the bill can also be presented the bill can be also presented for acceptance through through post office through post office

Liable करना चाहता हूं। की गरज है पे मैं खुद अगर अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो उसमें नो द आंसर इज नो बिकॉज चेक, को चेक को कभी no, no. पे कभी एक्सेप्टेंस होता नहीं यहाँ पे चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट कैन नॉट बी हैव एक्सेप्टेड सही बात है तो नीचे नोट लिखिएगा प्रोमिसरी नोट एंड चेक promissory note and check promissory note and check are not required are not required for are not required for acceptance नेक्स्ट प्रेजेंटमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट क्या प्रॉमिसरी नोट आफ्टर साइट हो सकता है yes. लेकिन after note का मतलब क्या होता है? कि इसको जब आप दिखाएंगे सामने उसके बाद पे होगा इन शॉर्ट देखो अगर मैंने लिखा कि 10 डेज आफ्टर साइट 10 डेज क्या बोलो आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे यू A sum of so and so. Sign करके मैंने आपको दे दिया अब आप मेरे पास वो नोट लेके आएंगे सर आपने ये था करेंगे. तो जब मुझको वो साइट हो जाएगा साइटिंग, जैसे साइटिंग मतलब देखने के लिए जाते हैं घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो वैसे ही प्रोमिस नोट मैंने लिख के दिया टेन डेज आफ्टर साइट आई प्रोमिस वो प्रॉमिस नोट मैंने आपको दिया आपने वो मेरे को दिखाया अब 10 दिन कहां से गिनेंगे जब आपने मुझको वो दिखाया कि देखो सर आपने बोला था प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं आपको ये प्रॉमिस नोट दिखाऊंगा उसके बाद 10 दिन बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस के बाद कुछ दिन प्रॉमिसरी नोट आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है जब वो दिखाया जाएगा व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट उसके बाद 10 दिन जैसे कोई बिल ऑफ कोई प्रोमिस नोट है मैंने बनाया ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी फोर तो इसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी अगर ये ए वाला इंस्ट्रूमेंट है तो इसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी जब वो दिखाया जाएगा उसके बाद दस दिन तो फॉर सेम मैंने उसको आपको दिखा दिया ऑन फर्स्ट ऑफ सॉरी ऑन फर्स्ट ऑफ सप्टेम्बर ट्वेंटी फोर सही बात है तो बताएंगे मुझको पेमेंट कब होगा

वही पे अगर कोई प्रोमिसरी नोट अगर आफ्टर साइड पेबल है तो जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा फॉर पेमेंट उसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वॉट एवर कंडीशन के लिए लाइबल हो जाएगा भाई पॉइंट क्लियर है क्लियर है बिल ऑफेक्शन एंड प्रोमिस नोट आफ्टर साइड क्लियर है आपको तो लिखिएगा प्रोमिसरी नोट फॉर साइट प्रोमिस नोट फॉर साइट प्रोमिसरी नोट फॉर साइट उसमें लिखना इफ द प्रोमिस नोट इज पेबल इफ प्रोमिस नोट इज पेबल एट अ सर्टन पीरियड आफ्टर साइट इफ द प्रोमिस नोट इज पेबल एट अ सर्टन पीरियड आफ्टर साइट then it must be presented it must be presented for site it must be presented for site then it will be due for payment ओके नीचे एग्जाम्पल लिखो टेन डेज आफ्टर साइट आई प्रोमिस टू पे यू रुपी सो एंड सो टेन डेज आफ्टर साइट आई प्रोमिस टू पे यू नीचे लिखना डेट ऑफ प्रोमिस नोट इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी फोर डेट ऑफ प्रोमिस नोट Is 23rd of August 24? Nichiliko date of date of site 1st of September 24. Date of site 1st of September 24. Date of site 1st of September 24. due date for payment. Due date for payment. What will be the due date of payment? It is a 1st of September plus 10 days plus 3 days. भी करना कर उसके अंदर तो फर्स्ट ऑफ सितंबर प्लस टेन डेज प्लस थ्री डेज इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 14th ऑफ सप्टेंबर so 14th ऑफ सप्टेंबर ओके नीचे एक पॉइंट आ रहा है द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉवी of a bill of exchange presented to him for acceptance allow 48 hours to consider whether he will accept or not see friends maine kya bola agar maan lo aapka bill of exchange hai aur wo kya hai after come on after sight payable hai maine likha 10 days after sight pay me or my order bill of exchange hai to batayenge payment kab hoga जब मैं आपको present करूंगा for acceptance आप उसको accept करेंगे और acceptance के बाद दस दिन सही बात है लेकिन मान लो bill of exchange का date है

तो आपका ड्यू डेट फॉर पेमेंट चार महीने से आगे चला जाएगा आपके okay, ना nah. तो क्या ड्रॉवी के पास कोई लिमिटेड समय होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस कि मैंने आपको बिल दिया आपने कुछ लिमिटेड समय के अंदर रिप्लाई करना है है तो यहां पे वो समय है 48 आवर्स क्या बोलो यानी कि ड्रॉवी के पास बिल को एक्सेप्ट करने के लिए मैक्सिमम कितना समय हो सकता है 48 एट आवर्स ही हो सकता है 48 एट आवर्स के अंदर ही उसने एक्सेप्ट करना है

नहीं है तो चल ठीक है नेक्स्ट लिखो लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे लिखो लिखो टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ड्रॉवी टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस टू टू ड्रॉवी टाइम लिमिट फॉर दी ड्रॉवी The Drawwe will get the Drawwe will get only forty eight hours, only forty eight hours for acceptance, for acceptance, for acceptance after it is. प्रेजेंटेड आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस इज इट ओवर इज इट ओवर चलिए अब यह क्या हो गया बोलो आपका प्रेजेंटमेंट फॉर

अगर आप उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करते हो तो कोई भी पार्टी उसके ऊपर लाइबल नहीं होती है और क्या आप उसको पोस्ट से भी भेज सकते हो पेमेंट के लिए आंसर इज़ यस। तो लिखिए पेमें, पेमेंट right प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट उसके अंदर लिखना एवरी इंस्ट्रूमेंट Every instrument that is P note, every instrument that is P note, BOE, what is BOE? Bills of exchange and check, and check must be presented for payment. Must be presented for payment. Next line, pay if it is not presented for payment if it is not presented for payment then no party is liable to pay no party is liable to pay. next it can be presented for payment. it can be live it can be presented for payment physically physically or through post office or through post office. Next. एक 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 है है? है 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 देखते हैं क्या चीज है? अगर मान लो आपका में है. एक होता है, टाइम एक होता है, याद है आपको टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको उसको कुछ स्पेसिफाइड टाइम में प्रेजेंट करना है इसे मैंने लिखा 15 डेज आफ्टर साइट सॉरी 15 डेज आफ्टर द डेट मतलब क्या है कि जो डेट होगा इंस्ट्रूमेंट का उसके बाद पंद्रह दिन उसमें तीन दिन जोड़ लो फिर जो आएगा आपका ड्यू डेट आएगा तो उस दिन पे आपने उसको प्रेजेंट फॉर पेमेंट करना है यस yes. लेकिन अगर मैंने लिखा ऑन डिमांड पे मी और माय ऑर्डर क्या लिखा पे मी और माय ऑर्डर तो यू टेल मी इसका ड्यू डेट क्या आएगा तो so डिमांड के लिए पेएबल है ना तो so ऐसे कोई भी प्रोमिसरी नोट कैसे पेएबल होता है डिमांड में पेबल होता है जो किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे पेमेंट के लिए लाइबल नहीं है मतलब आप मेरे घर पे पेमेंट करेंगे या ऑफिस में पेमेंट करेंगे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है डिमांड में पेएबल है तो उसके लिए प्रेजेंटमेंट की गरज नहीं होती है आपको उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करने की गरज नहीं है. जब भी जाएंगे पेमेंट मिल जाएगा बिकॉज वो डिमांड से पेएबल है बात समझे ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड से पेबल होते हैं प्रोमिसरी नोट तो उसको आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना नहीं है आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो पेमेंट के लिए रख सकते हो वो आपको पेमेंट कर देगा यू नीड नॉट टू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट फिर चेक करोगे पे करेगा नहीं करेगा ऐसा नहीं है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट को आपको प्रेजेंट करना होगा फॉर पेमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट तो वैसे भी कभी भी लाइबल होता है आप कभी भी उसको कहीं पर भी दिखा लो वो लाइबल हो जाएगा सही बात है नेक्स्ट वन नॉट एनीथिंग विंग सेक्शन नंबर सिक्स

अगर उसको उस स्कैन कॉपी के बारे में कोई एडिशनल चाहिए बिकॉज़ उसके पास फिजिकल चेक नहीं है तो क्या वो बैंक बिफोर मेकिंग द पेमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे क्लेम कर सकता है कि वो चेक जेनुअन है कि नहीं है उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है फोर्जरी तो नहीं है टैंपरिंग तो नहीं है वगैरह 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 हाँ कि ना

where the promissory note is payable on demand it need not to be it need not to be it need not to be presented for payment presented for payment presented for payment the parties are parties are liable to pay on that instrument हुआ हुआ क्या Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं

उसको प्रेजेंट करना होगा फॉर पेमेंट सही बात मैंने लिखा टेन डेज आफ्टर साइट मीन्स एक्सेप्टेंस के दस दिन के बाद तो ये हो गया आपका ये क्लियर मामला कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आफ्टर डेट पेबल है या आफ्टर साइट पेबल है तो आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है जिस दिन पे बिल बनाया है उसके बाद कुछ दिन और उसके अंदर ग्रेस डेज

Yani िटी तो पे ही रखना होगा तब तक वो पेबल नहीं होगा मैंने बोला दस दिन टेन डेज्टर द डेट का मतलब क्या होता है कि टेन डेज के बाद ही प्रेजेंट करना होगा अगर आप डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के दो दिन के बाद चले गए तो वेदर द पर्सन विल पे टू यू द आंसर इज नो आपको मैच्योरिटी डेट पे ही उसको रखना पड़ेगा जैसे 14th ऑफ सितंबर इज योर मैच्योरिटी डेट क्या आप उसको 13th को पेमेंट के लिए बोल सकते हो द आंसर इज नो इट शुड बी प्रेजेंटेड एट क्या बोलो 14th ऑफ सितंबर इटसेल्फ तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में वही लिखा है एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है अभी पहले बोल रहे आफ्टर 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 डेट है है या या साइड साइड तो आपको मतलब उस करो उसके पहले कर नहीं सकते भाई पॉइंट क्लियर है समझे क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है नहीं है तो मुझको पूछो नेक्स्ट वन द प्रेजेंटमेंट पेमेंट ऑफ द प्रोमिशन नोट पेएबल बाय द इंस्टॉलमेंट अब क्या ऐसे भी हो सकता है क्या आपको उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है जैसे मान लो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो एट अ डेट स्पेसिफाइड बिलो टोटल मान लो बिल पे टोटल मान लो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ वन लैख ओनली ऑन फॉलोइंग डेट्स नीचे गए डेट्स पे तो मैंने लिखा फर्स्ट पेमेंट करूंगा ऑन फर्स्ट ऑफ सितंबर ट्वेंटी फोर पेमेंट करूंगा पच्चीस हजार का सेकेंड पेमेंट करूंगा ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का फिर पेमेंट करूंगा फर्स्ट ऑफ नवंबर ट्वेंटी फोर का

मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन दर्ड डे आफ्टर दिक्कस ड्यूडेट क्या आएगा सॉरी ड्यू डेट क्या आएगा प्लस तो इसके अंदर भी ग्रेजेज आपको एड करने होंगे सही बात है नेक्स्ट

तो क्या आप उसको आगरा के लाल किले पे लेके जा सकते हो मैंने क्या बोला 10 डेज आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर रुपीज सो एंड सो एट ताजमहल तो पेमेंट कहाँ पे होना है कब होना है इस डेट के 10 दिन के बाद तीन दिन ऐड करने के बाद तो मतलब फर्स्ट ऑफ सितंबर का आपका ये डेट है फर्स्ट ऑफ सितंबर का आपका ये डेट है दस दिन उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इलेवेंथ ऑफ सितंबर उसके अंदर क्या करेंगे

शुरू करना चाहिए लाइट चाहिए पीछे है ना उसका बटन है, राइट हाँ. down. It must be presented. It must be presented during usual hours. Title, listen, hours for presentation. Hours for presentation. hours for presentment Hours for presentment It must be presented at a usual hours. जेंटेड एट द यूजल आर्स नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन इंस्ट्रूमेंट पेबल इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट आफ्टर डेट और साइट और स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट और स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट आफ्टर डेट और साइट डैश करके लिखो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी मस्ट बी प्रेजेंटेड पेमेंट एट मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी ओके हो गया उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लिखो टेन डेज आफ्टर द डेट टेन डेज आफ्टर द डेट तो उसका मैच्योरिटी क्या आएगा डेट ऑफ द बिल प्लस टेन डेज प्लस थ्री डेज डेट ऑफ द बिल प्लस टेन डेज प्लस थ्री डेज लिखो बेटा लिखा डेट ऑफ द बिल प्लस टेन डेज प्लस थ्री डेज लिखा नेक्स्ट लिखो लिखो व्हेन पी नोट पॉइंट नंबर टू आएगा अभी व्हेन पी नोट इज पेबल बाय इंस्टॉलमेंट व्हेन पी नोट इज पेबल क्या बोलो In installments <laughs> Smelligo. presented for payment presented for payment at at installment date at installment date plus three days installment date plus 3 days note if not presented if not presented at maturity for payment then person is not liable person is not liable note number 2 if if no payment if no payment on a due date if no payment on due date if no payment on due date dishonor due to non payment dishonor due to non payment नेक्स्ट लिखो अभी आएगा आपका ये थर्ड पॉइंट ना हेड पॉइंट का थर्ड पॉइंट आएगा थर्ड पॉइंट लिखो इफ द इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस इफ इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस Then must be presented for payment, must be presented for payment at that place only. ुलर प्लेस जो भी हमने लिखा सही बात है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पेबल एटाइड प्लेसन रोड बिल ऑफ ऑर्डर टू मेकअप चार्ज मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस नेक्स्ट वन प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो कहाँ पे किया जाएगा एक तो आपके बिजनेस प्लेस पे या फिर रेसिडेंस के प्लेस पे हाँ के ना नीचे लिखिए इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड पेबल एट प्लेस ऑफ बिजनेस पेबल एट प्लेस ऑफ बिजनेस और एट यूजुअल रेसिडेंस और एट यूजुअल रेसिडेंस ओके क्या ऐसा हो सकता है कि, कि किसी का बिजनेस प्लेस भी नहीं है और किसी का यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी नहीं है बंजारा है बंजारा किसी का प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है मतलब उसका दुकान भी बिकान भी नहीं है और उसका रहने का ठिकाना भी नहीं है तो फिर कहां पर किया जाएगा वॉट डू यू थिंक जहां पे मिलेगा तो जहां पे उसने प्रॉमिस किया प्रॉमिस किया ही नहीं उसने कहा पे पे करना है प्लीज रीड दिस पॉइंट एंड लेट मी नो पे? पे वो मिलेगा हा के ना वही तो आंसर है उसका के ना लिखिए वेर नो प्लेस इज नोन वेर नो प्लेस ऑफ़ बिजनेस और रेसिडेंस इज नोन वेर नो प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इज नोन where no place of business or residence is known then must be presented then must be presented to the person to the person wherever he can be or wherever he can be found नेक्स्ट एक बात बताना मुझको चेक को आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे फॉर पेमेंट घर पे बिजनेस प्लेस पे अरे बैंक के थ्रू ही करेंगे ना एकदम सिंपल है तो लिखो प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक डैश लिखो बस बी प्रेजेंटेड एट द बैंक

upon which it is drawn must be presented at bank upon which it is drawn upon which it is drawn next next it must be presented within reasonable time within reasonable time. What is the time for uh, payment presentment of payment for check 3 months लिखो That is 3 months. <laughs> अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट डिमांड से पेबल होते हैं तो उसको कब प्रेजेंट करते हैं डिमांड से हा ना तो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड लिखो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम इज इट अगर मान लो बात को अगर मान लो आप बिल को प्रेजेंट करते हो फॉर पेमेंट मैंने आपके ऊपर बिल बनाया आपने एक्सेप्ट करके मुझको दिया, दिया अब ड्यू डेट पे मैंने आपको प्रेजेंट करना है लेकिन अगर ड्यू डेट पे ड्रॉवी मर चुका है तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर किसके ऊपर ड्रॉ किया ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर लेकिन ऑन ड्यू डेट

क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके पास जाके बिल का रिकवरी कर सकते हैं तो सिंपल फंडा है लिखो केस द ड्रॉवर और द ड्रॉवी केस द ड्रॉवर ऑब्लिक ड्रॉवी ऑब्लिक पे केस द ड्रॉवर ऑब्लिक ड्रॉवी ऑब्लिक पे डाइड डाइड इड डैश करके लिखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एजेंट पब्लिक एजेंट पब्लिक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट प्रेजेंट must present must present oblique liable must present oblique liable on the instrument <coughs> बात समझे क्या ओके okay, चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर अगर मान लो आपको प्रेजेंट करना था फॉर एक्सेप्टेंस या फिर पेमेंट लेकिन आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया फॉर से अगर मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आफ्टर साइड पेबल है कैसे पेबल है आफ्टर साइड अब मैंने लिखा टेन डेज आफ्टर साइड आप मुझको बताना इसका मैच्योरिटी डेट क्या आएगा यस yes, पार्थ टेन डेज आफ्टर 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 एक्सेप्टेंस बोलना आपको टेन डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस सही बात है मतलब आपको पहले उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होगा सही की गलत एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कब करना है वॉट इज अ डेट फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस अभी तो सीखा हमने एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कब तक करना है बोलो दस दिन एक्सेप्टेंस के बाद लाइबल है एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कब करना है किसने बोला एक्सेप्टेंस 48 एट आवर्स में आना है रीजनेबल टाइम वेरी गुड मान लो बिल का डेट है फर्स्ट ऑफ सितंबर 24 दिस इज द डेट ऑफ बिल अब मैच्योरिटी क्या आएगा फर्स्ट ऑफ सितंबर 24 प्लस 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 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन डेज प्लस थ्री डेज हाँ कि ना थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना कि अक्ल को बेच ऐसा बिहेव मत करना अक्ल है आपके पास नहीं ऐसा बिहेव मत करो डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला क्या टेन डेज आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है टेन डेज आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है एक्सेप्टेंस के बाद टेन डेज प्रेजेंट किया एक्सेप्ट हुआ उसके बाद दस दिन आपके ना तो अगर डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ सितंबर है तो ड्यू डेट क्या आएगा फर्स्ट ऑफ सितंबर के टेन दिन बाद तो एक तारीख को बनाया फिर उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया फिर एक्सेप्टेंस हुआ उसके बाद दस दिन हाँ ना कितनी बारी अभी तो पूरा लेक्चर वही समझा ना नलाय को तो यू टेल मी ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे और फिर वो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा सही बात है अब प्रेजेंट कब करना है प्रेजेंट करना है कब बेटा रीजनेबल टाइम सही बात है सर रीजनेबल टाइम क्या होता है दैट डिपेंड्स अपॉन सरकमस्टेंसेस ऑफ द केस कई एक हफ्ता पंद्रह दिन एक महीना दो महीना हा कि ना अगर मान लेते हैं इसको रीजनेबल टाइम में आपने प्रेजेंट नहीं किया तो वेदर द पार्टी विल बी लायबल टू पे मान लो मैंने आज बिल बनाया और वो बिल है टेन डेज आफ्टर साइट और मैंने पचास साल के बाद वो बिल एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया मैं ऐसे ही कुछ दसरा दिवाली का साफ सफाई कर रहा था मेरे को ऐसा बिल दिखा अरे बिल मैं चला गया अरे भैया

मैक्सिमम एक साल रे हाफ के डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस कि क्या चीज है ये कोर्ट डिसाइड करेगा रीजनेबल टाइम क्या है लेकिन अगर मान लो आप उसको रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा तो पार्टी इज नॉट लाइबल इन शॉर्ट हाफ के ना लेकिन प्रेजेंटमेंट करना फॉर एक्सेप्टेंस या पेमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर मतलब उसको प्रेजेंट करना इंपॉसिबल था

क्या ये चलेगा यानी कि प्रेजेंट करने के लिए क्या ड्रॉवर की कोई गलती है नहीं ये गलती ये डिले क्यों हुआ जो उसके कंट्रोल में नहीं है द रीजन जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो बताएंगे क्या ये डिले हम लोग एक्सेप्ट करके ले सकते हैं ना? तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि इफ इफ डिले इन प्रेजेंटमेंट और फॉर एक्सेप्टेंस फॉर द एक्सक्यूज एक्सक्यूज Excuse मतलब कि उस को हम नहीं मानते हैं। क्या बोलो? की हुआ है। के के कंट्रोल अगर अगर जा करके कोई चीज़ रीजन आ गया जिसके वजह से उसने डीले इन पेमेंट किया तो बताएंगे क्या इन केस वो डीले हम लोग एक्सेप्ट करके लेंगे yes. तो साल के बाद भी भी उसको किया, फिर भी वो लायबल हो जाएगा? आंसर इज यस अदरवाइज पांच साल के बाद लायबल, वैसे भी नहीं होता भाई और बहनों क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है लिखिएगा डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट और एक्सेप्टेंस उसके अंदर लिखो द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम विद इन रीजनेबल टाइम If, if he do not present it within reasonable time, if he do not present it within reasonable time, if he do not present it for reason within reasonable time reasonable time, then then

But if the delay but if the delay is <coughs> but if the delay is delay is because of but if the delay is because of reasons because of reasons which is not under the control under the control of the holder of the holder. then then the delay the delay,

और मेकर विल बी हेल्ड समझे चलिए तो अभी अब तक आज के लेक्चर पे जितना हमने लिखा है उसको एक बार शांति से पढ़ेंगे एक पांच मिनट दे रहा हूँ पांच मिनट के अंदर शांति से उसको पढ़िएगा प्लीज रीड

मग मग गर्दी केली वॉट इज अन्सर ऑफ दिस लेडी सी मी येणारच नव्हतो आलोय ते बघा जरा तुम्ही म्हणजे नशीब आहे तुमचं तुम्ही आला मी आले ते आन्सर जबरदस्त होते इसके परसो भी कुछ हुआ पूछा मैंने इसको इसने ऐसा जवाब दिया की मेरा मुंह बंद हो गया हाँ वो दीदी आई नहीं उसके बाद भी बीच में भी कुछ जवाब दिया लड़की ने गाड़ी के नहीं वो तो बहुत पहले हो गया अभी रिसेंटली उसने मेरा मुंह बंद किया है कुछ तो बोला उसने आई गेस आने के ऊपर से कुछ तो हुआ मैं आने नहीं वाली थी ऐसे ही कुछ बोला वेरी गुड बेटा वेरी गुड हाँ जी चलिए आगे बढ़े ना बस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोटी मोटी बातें बची हुई है फिनिश करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको हो सकता है सवाल आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाए हमने अब तक पढ़ा कि बिल को प्रोमोसरी नोट को या फिर चेक को मतलब इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना होगा पार्थ बेटा क्या करना होगा आपको प्रेजेंट करना होगा फॉर पेमेंट अगर आफ्टर साइड है तो आफ्टर साइड है तो एक्सेप्टेंस के लिए करना पड़ेगा अगर मान लो वो आफ्टर साइट नहीं है तो फॉर फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना होगा जब तक आप उसको एक्सेप्टेंस के लिए या फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करते तब तक वो क्या नहीं होगा तब तक वो पर्सन उस बिल के ऊपर या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लायबल नहीं होगा सही बात है नाउ यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कब प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है कि कब प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, दैट मींस द पर्सन विल बी लायबल टू पे भले ही आपने प्रेजेंट नहीं किया फिर भी वो पर्सन लायबल होगा सर ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे आपने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए फिर भी वो लायबल हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर ए थोड़ा छोड़ेंगे पॉइंट नंबर बी पे आना सी अगर मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर साइट पेएबल है ये आप ध्यान दो सब लोग

ऐसा कोई भी पार्टी कौन सा पार्टी जो उस पे लाइबल होता है टू पे. Means, पे पे, मेकर, चेक में बैंक. जो पर्सन उस पे लाइबल है टू पे अगर उसने ऑलरेडी पे कर दिया बिना प्रेजेंट किए मतलब मान लो मैंने बिल आपके ऊपर बनाया

आप मेरे को धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकालोगे तुमको ऑलरेडी दस, दस तारीख को पेमेंट किया है अब तारीख को और प्रेजेंट प्रेजेंट करने की क्या गरज है 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 इसलिए बोला कि कब 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 करना जरूरी नहीं है। कब नहीं है? <coughs> कब नहीं है अगर वो ऑलरेडी आकर के पेमेंट कर देता है सही बात है नॉर्मल है ना नॉर्मल है ना अगर खुद से आकर के पेमेंट कर रहा है बिफोर ड्यू डेट तो फिर पेमेंट की कोई लाइबिलिटी प्रेजेंट करने का कोई संबंध पैदा नहीं होता है नेक्स्ट वन अगर मैच्योरिटी के बाद देखो अब यहां पर तारीख को मैच्योरिटी था दस तारीख को पेमेंट कर दिया लेकिन मैच्योरिटी मतलब कि फोर्टीन तारीख के बाद अगर उसको हमने प्रेजेंट नहीं किया मतलब करना था क्या मैं फोर्टीन तारीख के बाद भी प्रेजेंट कर सकता हूं पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं

समझेगी उड़ गया दिमाग से उड़ गया उड़ गया डेट ऑफ द बिल क्या है ऑन फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर 24। 10 डेज आफ्टर क्या बोलो आफ्टर द डेट तो व्हाट इज द ड्यू डेट 14th ऑफ सप्टेंबर 24 साक्षी जी कैसे आई है हां थ्री डेज ग्रेज ऐड करके वेरी गुड तो सिचुएशन नंबर वन में क्या आएगा 14 तारीख को आपको प्रेजेंट करना था आप उसके पहले प्रेजेंट कर सकते हो क्या कैन यू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट बिफोर 14th बट द पार्टी पेज ऑन 10th ऑफ सप्टेंबर 24 दैट इज हा कि ना तो यू डेलमी क्या यहाँ पे उसको फोर्टीन तारीख को प्रेजेंट करने की गरज है तो प्रेजेंटमेंट इज अनेसरी पॉइंट वही पढ़ रहे हम लोग आई बात समझ में नंबर टू आफ्टर फोर्टीन ऑफ सप्टेम्बर ट्वेंटी फोर द बिल इज नॉट प्रेजेंटेड इट मतलब फोर्टीन तारीख पे भी उसको प्रेजेंट नहीं किया भूल गया वो प्रेजेंट करना वो बोले कि आज छुट्टी नहीं है दो दिन के बाद छुट्टी है दो दिन के बाद जाऊंगा पेमेंट लेने के लिए क्या वो जा सकता है जा सकता है तारीख को ही जाने की क्या गरज है दो दिन के बाद भी जा सकता है ना वो ना के ना लेकिन 15th 24 को उसने पे किया किसने मतलब प्रेजेंट करने के पहले ही क्या हो गया पे मतलब मैच्योरिटी हो चुकी है बट उसको प्रेजेंट किया नहीं उसके पहले ही पे किया मतलब आफ्टर मैच्योरिटी बट बिफोर प्रेजेंटमेंट उसको पे कर दिया पहले केस में क्या था बिफोर मैच्योरिटी पे किया दूसरे केस में क्या है मैच्योरिटी हो चुका है प्रेजेंट नहीं किया है उसके पहले ही पे कर दिया क्या अभी उसको प्रेजेंट करने की वापस गरज है तो आंसर इज नो प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी बात समझ गया नेक्स्ट और प्रॉमिस टू पे उसने प्रेजेंट नहीं किया उसने पे करने का प्रॉमिस किया

प्रॉमिस कर लिया तो क्या प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी तो पहला पॉइंट कौन सा है पहला पॉइंट कौन सा है बिफोर मैच्योरिटी पे किया तो क्या प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी यस नंबर 2 आफ्टर मैच्योरिटी बिफोर प्रेजेंटमेंट पेमेंट हुआ या पेमेंट का प्रॉमिस हुआ तो प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी अरे हां के ना ओके एंड डी इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर अ डैमेज फ्रॉम द वंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट

पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है इधर बोर्ड पे ध्यान दो पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है बिफोर मैच्योरिटी ओके पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है आफ्टर मैच्योरिटी बट बिफोर प्रेजेंटमेंट उसने पेमेंट कर दिया फिर पेमेंट करने का प्रॉमिस किया एंड पॉइंट नंबर डी में क्या बोला है थर्ड पॉइंट ड्रॉवर को क्या नहीं होता है कोई डैमेज ड्रॉवर मतलब कौन द पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव हु इज लाइबल टू प्रेजेंट उसको प्रेजेंट ना करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो वो तो प्रेजेंट नहीं करेगा कभी भी उसको मिल जाएगा। बात है, अरे लगा। है, कल मिलेंगे तो पॉइंट नंबर ए पढ़ेंगे उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, is, इसको करना है एकदम नॉर्मल थल बात है और उसके बाद फिर हमारा जो मेजर क्रंच बचा है वो क्या है बोलो